हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष और आज हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। हम जो हमारे ज्योग्राफी के अलग अलग सेक्टर हैं उनके बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारा वो हम वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। लेकिन जो हम आज इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे उसमें हम पूरे इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। जैसे हम उसके बारे में फिजिकल डिवीजन वाला, सबसे जो हमारे इंडियन ज्योग्राफी का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है फिजिकल डिवीजन, उसको हम पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ पूरा करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे मानव भूगोल में, जो हमारे इंडियन इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी आती है उसके जो पार्ट्स आते हैं उसके बारे में हम जैसे चर्चा करेंगे। जैसे हम उसकी जनसंख्या वाले टॉपिक बारे में बात करेंगे और उद्योग धंधे वाले सारे, हम इकोनॉमिक्स फैक्टर वाले भी हम सारी चर्चा करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल डिवीजन, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें हम फिजिकल डिवीजन में देखो हाँ बात करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे उच्चावच के बारे में कि उच्चावच क्या होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हम पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन ज्योग्राफी में हमने इंडियन ज्योग्राफी को हमने कितने भागों में विभाजित किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने इंडियन ज्योग्राफी को 5 भागों में विभाजित किया है। जैसे हमने इसको हिमालय हिमालय में विभाजित किया है और हमने इसको लाइटिंग का इशू रहेगा, फिर हम तो चलो हम करेंगे। हमने हमने इसको हिमालय में विभाजित किया है। और दूसरा हम बात करें तो इसको हमने नॉर्थन नॉर्थ नॉर्थ प्लेन में विभाजित किया है। तीसरा हमने प्लेटू पेनिसुलर पेनिसुलर इंडिया में, और चौथा हमने इसको विभाजित किया किसमें, हमने इसको कोस्टल कोस्टल प्लेन में, और चौथा हमने पांचवा हमने इसको आइलैंड में विभाजित किया है। इस 5 भागों में विभाजित किया, जैसे हम निम्नलिखित देते हैं, हमने इसको हिमालय में विभाजित किया है, हिमालय। दूसरा हमने इसको उत्तरी उत्तरी मैदानों में विभाजित किया, उत्तरी मैदान। और तीसरा हमने इसको प्रायद्वीपीय भारत में विभाजित किया, जिसमें माउंटेन और पठार दोनों पड़ेंगे, पेनिनसुलर इंडिया में। ओके, जैसे हमने प्रायद्वीपीय भारत, और चौथा हमने इसको उत्तटीय मैदान में विभाजित किया है। और उसके बाद हमने इसको द्वीप समूह में विभाजित किया है। ये इन 5 सेक्टरों में हमने पूरा इंडियन के पूरे इंडियन को हमने 5 भागों में फिजिकल डिवीजन के अनुसार इसको विभाजित किया है। जैसे हम बात करें ना, तो हम पहला हमारा आज का टॉपिक रहेगा हिमालय, जिसमें हम आपको सारी लोकेशन बता देते हैं इंडिया वाइज, और हम जो बात करेंगे हिमालय के बारे में वो सारी चर्चा हम उसके सारे फैक्ट के जानेंगे। देखें यहाँ से लेके हिमालय का विस्तार है, यहाँ से इस एरिया में हिमालय का विस्तार है। उसके बाद हम बात ये 1 नंबर है और 2 नंबर, और इसमें 2 नंबर हम आ जाते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में हम गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान, इधर थार वाले राजस्थान के मैदान, पंजाब के मैदान, हरियाणा के मैदान, ये सारी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करें ना पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, तो पेनिनसुलर इंडिया में हम ये वाला सारा पार्ट, ये पेनिनसुलर इंडिया जिसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये 4 नंबर कोस्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप, इधर लक्षद्वीप, ये 5 नंबर है जिसका हम बात करेंगे अपने आगामी कक्षा में। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो हमारा होगा हिमालय। हिमालय में हम बात करेंगे तो हिमालय को भी हम 5-6 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा होगा हिमालय में हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे इसमें हम। उसके बाद हम बात करेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय, उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, और उसके बाद हम उसके हिमालय में जितने भी पीक्स हैं, उसके ग्लेशियर हैं और जितने भी दर्रे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे आज हम बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम आज बात करेंगे, तो चलिए हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति में ये बारे में बात करेंगे हम,
हिमालय। यह हमारा आज का टॉपिक है, इसमें ना हम बात कर रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार है हम भारतीय भूमि को गोंडवाना लैंड कहते हैं। लेकिन जब हम हिमालय के बारे में बात करें ना, तो यह तृतीय सागर का हिस्सा पाया जाता है। कैसे, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम तीन थ्योरी के बारे में बात करें, जिससे अलग अलग फैक्ट हमको जानने को मिलेगा। जैसे हम कोबर का सिद्धांत पढ़ें, जिसमें हमें यह पता चलेगा कि वाकई में हिमालय तृतीय सागर का हिस्सा है। और हम बात करेंगे कि तृतीय सागर का हिस्सा कैसे है, और हम बात करेंगे जैसे कि हम प्लेट टेक्टोनिक में बात करें कि जो हमारा हिमालय पर्वतमाला है वास्तव में एक फोल्ड माउंटेन है, जैसे वलित पर्वतमाला है। लेकिन हम बात करेंगे कि वाकई में जो हमारा वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन, ये निर्माण कैसे होता है। और हम एक और बात सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसे हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं, जैसे अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा जो भारत है वो हमारे कहाँ पर स्थित है, और उसके द्वारा हिमालय का निर्माण कैसे किया गया। इन तीन थ्योरी द्वारा हम बात करेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए वक्त न गवा कर हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात करें, तो इसके तीनों जो हमारे सिद्धांत है उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति, इसमें हम सर्वप्रथम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम बात करेंगे जो हमारा महाद्वीपीय विस्थापन है उसके बारे में बात करेंगे। यह हमारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने इसे 1920 में दिया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस सिद्धांत ने आपने पहले भी पढ़ा होगा, यह सिद्धांत हम बात करेंगे महाद्वीपीय जैसे विस्थापन के बारे में बात करें। लेकिन हम अगर आपको इंटरेस्ट हम ज्योग्राफी में उसके बारे में बात करते हैं कि हम जैसे आपने बिल्डिंग थ्योरी पढ़ी हो, इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी में बात करते हैं कि महाद्वीप की उत्पत्ति कैसी हुई, और हम बात करेंगे वाटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कार्बन और डाइऑक्साइड, ऐसी हम सारी बातें हैं ना फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन आज हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन, यानी महाद्वीप का जो एक समय जो पूरब एक पेंजिया हिस्सा था वह कैसे धीरे धीरे टुकड़ों में बिखर कर एक हमें अलग ही रूप प्रदान करता है, हम अलग अलग देखते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि जो आपको पता होगा कि एक हमारे जो पृथ्वी में जो भूभाग है वह संपूर्ण एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसे हम पेंथलास उसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं, और जिसके चारों ओर जो पानी का घेराव था उसे हम पेंथलासा कहते थे। चलिए मैं आपको डायग्राम के अनुसार बता ही देता हूँ, ये जिस टाइम हम बात कर रहे हैं इस टाइम इस थ्योरी के अनुसार क्या हो रहा था। यह हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में एक भूभाग था जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं, किसे पेंजिया। ये पूरा भूखंड था, ये धरातल था, और लेकिन इसके चारों तरफ क्या था, पानी, जिसे हम पेंथलासा कहते हैं, पेंथलासा। लेकिन एक टाइम क्या हुआ कि जब आपको मालूम है कि पानी अपना रास्ता बनाता है, तो एक टाइम क्या हुआ, ये पेंथलासा था ना, यह जो हमारा पेंजिया था ना, यह दो भागों में टूट गया, कैसे दो भागों में इस प्रकार टूट गया, और जो इसका पानी था वो इस यहाँ पे आ गया। लेकिन इस पानी को हमने क्या नाम दिया, इसको हमने तैतीस सागर का नाम दिया, तैतीस सागर सागर का नाम दिया। ये दो भागों में टूट गया, ये टूटने के बाद कुछ भाग इसमें जो भाग आता है इसको हम अंगारा लैंड कहते हैं, अंगारा लैंड, और जो हमारा दूसरा भूभाग टूटा था उसका हमने नाम लिख लिया गोंडवाना लैंड।
यह नाम हमने इसका नाम किया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अंगारलैंड में मोस्टली एक तो उत्तरी अमेरिका और साथ में यूरोप पूरा जो हमारा एशिया वाला महाद्वीप है ना वो सारा इसमें आते हैं, यूरोप और एशिया वाले इसमें आते हैं। इसके बाद इसमें जो गोंडवाना लैंड थे उसमें हमें अफ्रीका जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इंडिया गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इस थ्योरी के अनुसार क्या हुआ कि धीरे धीरे ये भूखंड आपस में टूटते गए और एक टाइम गोंडवाना लैंड से टूटकर यह भारत यूरोप यानी एशिया के जो महाद्वीप है उसके से जाकर टकरा गया। जैसे मैं थोड़ा डायग्राम प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारा एशिया वाला पार्ट बना देता हूँ मैं। जिस टाइम इसका विखंडन हुआ उसको तो आपको पता ही होगा, जैसे हमारा ये इंडिया वाला पार्ट था पूरा, इसमें बेहतर भारत के टाइम का था, जैसे यहाँ पे हमारा ये इंडिया है और यह है अपना जो एशिया है ना, ये एशिया है, एशिया इधर है, जैसे गल्फ वाला एरिया यहाँ पे गल्फ वाला एरिया, ये इधर समुद्र और ये वाला, ऐसी कुछ आकृति थी उस टाइम और ये हमारा इंडिया था। और यहाँ पे आपको मालूम ही होगा यहाँ पे कौन सा देश था, यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है, ये कुछ अफ्रीका देश, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप और ये एशिया महाद्वीप है। इस टाइम इस माल यहाँ से टूटकर ये है इंडिया भारत आगे टूटकर आगे जाकर इस यहाँ पे जाके टकरा गया। और यहाँ पर टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ पर्वतों का निर्माण हुआ, ये यहाँ पे जाके टकराया तो यहाँ पे क्या हुआ पर्वतों का निर्माण, इससे ही हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। अब बात ये आती है कि ये है दूरी, इसको मनने में काफी 8 मिलियन करोड़ों वर्ष लगे हैं मनने में यहाँ तक आने में। अब हम बात करते हैं कि यह काम कैसे कर रहा था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी है इसके अंदर यह जो ऊपरी भाग है इसको हम क्या नाम से बुलाते हैं क्रस्ट, और जो हमारा इसका अंदर वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं मेंटल, और तीसरा इसके अंदर वाला हिस्सा होता है इसे हम कोर कहते हैं। और हम इसको और एडवांस में समझें तो इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है और अपर मेंटल वाला हिस्सा है इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, और इसके अंदर जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल है सडन मेंटल है उसको हम क्या कहते हैं लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर। इसमें क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि हमेशा भारी चीज हल्की चीज हमेशा तैरती है, जैसे ये है यह लिथोस्फेयर हमेशा इस एस्थेनोस्फेयर पे तैरता रहता है, मेंटल पर तैरता रहता है, यह हल्की मेंटल की तुलना में यह भारी है लिथोस्फेयर। और आपको मालूम होगा मेंटल में क्या है मैग्मा है चारों में टेम्परेचर के साथ, तो इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार यह अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि हमारा जो भूखंड है वह लिथोस्फेयर है वो मेंटल के ऊपर तैरता रहता है, और इस प्रकार एक टाइम बाद हमारा भारत यहाँ से चलकर एशिया की तरफ चला गया और वहाँ पर वलित पर्वत का निर्माण किया। केवल हमारे यहाँ वलित पर्वत का निर्माण खाली
भारत से ही नहीं, इधर हमारे हम बात करें कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो एंडीज और रॉकी पर्वत है, वह भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है। वही भी इस प्रकार इसके जो प्लेटोवैज्ञानिक के अनुसार महाद्वीप का विस्थापन के अनुसार वहाँ पर भी यही रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। वहीं पर भी वलित पर्वत देखने को हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, हमारी दूसरी थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं, जो हमारी होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसी बारे में हम बात करते हैं। इसके अनुसार हम बात करेंगे कि किस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार हम प्लेटें अलग अलग मूवमेंट करती है और एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण करती है। आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा यह सिद्धांत। इसके बाद हम दूसरी जो हमारी थ्योरी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा हमारा दूसरा थ्योरी आता है आपको उस सिद्धांत से पता चल गया होगा कि हमारा जो पृथ्वी का भाग है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और गोंडवाना लैंड हम जैसे ये अफ्रीका और ये हमारा ये ऑस्ट्रेलिया का भाग गोंडवाना लैंड का ही है, और हम ये दक्षिण जो हमारा दक्षिण गोलार्ध में आते हैं, लेकिन हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, फिर भी यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपको पता चल गया होगा, यह डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी दूसरा टॉपिक है, जो दूसरी थ्योरी है प्लेट विवर्तनिक, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये प्लेट विवर्तनिक क्या होता है उसके बारे में हम बात करें ना, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्लेट अक्सर कहते किसको है। हम प्लेट विवर्तनिक यानी इसको हमने जैसे ये एक जो लिथोस्फीयर की तरह ये तैरता रहता है, और इसमें जो हम बात कर रहे थे इसके महाद्वीप विस्थापन में क्या होता है कि एक साथ में जैसे महाद्वीप का विस्थापन हो रहा है उसमें दो तीन फैक्टर और काम करते हैं साथ में, लिथोस्फीयर के साथ में जो हमारा पृथ्वी का रोटेशन है उसका भी एक बल कार्य करता है घिसकने का, और एक ज्वार भाटा जो आता है वह भी काम करता है। और अब हम बात करते हैं प्लेट विवर्तनिक के बारे में, तो उसके बारे में बात करें तो हमने प्लेट विवर्तनिक में तीन गतियां होती हैं, तीन फोर्स लगते हैं जिसके द्वारा जो हमारे माउंटेन्स का निर्माण होता है, और जैसे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एक अभिसार जो परिसीमा बोलते हैं हम, जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं, दूसरा हम डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं, और तीसरा हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर बाउंड्री। इसमें क्या होता है, अलग अलग पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। इसके बारे में बात करें तो पहला हमारा होता है अभिसार, इसकी गतियां हैं अभिसार परिसीमा हमारे, और दूसरी हमारा आता है दूसरे जो हमारी गति आती है वो आती है ट्रांसफॉर्मर परिसीमा, जैसे हम इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म परिसीमा को, हम इसको कहते हैं रूपांतरण परिसीमा। और एक रूपांतरण परिसीमा और चौथा हमारा तीसरा हमारा आता है विभिन्न बोल सकते हैं आप, डाइवर्जेंट होता है ना परिसीमा, इसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं इंग्लिश में, इसका हिंदी में थोड़ा अजीब है। उसके हम बारे में बात करें ना, ये अभिसार जो परिसीमा है यह कैसे काम करती है इसके बारे में हम चर्चा करें ना, तो यह क्या होती है, हम मानो सपोज कर दो प्लेट होती है, एक प्लेट P1 है और एक प्लेट
P2 है। तो ये क्या प्लेट करती है, आपस में एक अपनी ये प्लेट इस तरफ गति करेगी और ये प्लेट इस तरफ गति करेगी। इस जो ये प्लेट की ये गतियां हैं यह हमें अभिसार परिसीमा के अंतर्गत आती है। और रूपांतरण के बारे में हम बात करें ना, तो एक प्लेट ये है P1 और एक प्लेट ये है। ये क्या करती है, इसमें क्या होगा, यह इधर की ओर गति करती है और ये इधर की ओर गति करती है। और जो हमारा डाइवर्जेंट में है, इसमें क्या होता है, इसके नाम से स्पष्ट होता है, एक प्लेट ये है P1 और एक प्लेट ये है P2। इसमें क्या होता है, इसमें ये इधर की जाएगी और ये इधर की ओर चली जाती है। इससे क्या होता है, इससे फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है इस प्रकार, और इसमें ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है इस प्रकार। हम आपको मालूम होगा कि माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करें ना थोड़ी। हम आपको बता देता हूँ माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं। माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं तो माउंटेन को हमने मोस्टली 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो हमारा हो गया फोल्ड माउंटेन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं। दूसरा हम बात करें तो ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा हम बात करें तो लावा माउंटेन, और चौथा आप बात कर सकते हैं अपशिष्ट माउंटेन होता है उसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं। लावा माउंटेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे इसके आप उदाहरण मानना तो हमारा एक तो हिमालय आता है हिमालय, और दूसरा हम बात करें रॉक की, और तीसरा हम बात करें तो अपना वो आता है एंडीज, और चौथा ये 3-4 प्रकार के ये फोल्ड माउंटेन के उदाहरण है। आपको मालूम होगा ही फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। फोल्ड माउंटेन बनने का दो तरीका होता है, एक तो ये एक P1, इसकी जो घनत्व है इसका मान लें 1:1 है, ये बराबर घनत्व की दो प्लेट है मानो, और एक है P2 और इसका P2 इसका घनत्व है। ये इस तरफ आएगी, ये इस तरफ आएगी, तो क्या होगा, अब कोई दो चीज समान घनत्व की आती है तो क्या होता है, इधर तुम ये दबाव डाल रहे इधर ये दबाव डाल रहे, तो जो बीच का स्थान होगा ना वो ऊपर की और उठ जाएगा, और इसी प्रकार से एक माउंटेन का निर्माण होता है। अब हम बात करें अगर अलग अलग प्रकार के जो घनत्व वाली प्लेट है तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है अगर हम बात करें P1 प्लेट और एक PR1 और एक है P2 प्लेट एक R12, ये अलग अलग घनत्व की प्लेट है, तो एक प्लेट नीचे की ओर धस जाएगी, जो भारी प्लेट होगी वह नीचे की ओर धस जाएगी और जो ऊप हल्की होगी वह इसके ऊपर चढ़ जाएगी। और आपको मालूम होगा इसके नीचे मैग्मा होता है जो नियंत्रण इसको पिघला देता है रॉक्स को, और ऐसे एक पर्वत का निर्माण होता है। इस प्रकार एक पर्वत का निर्माण होता है, और ऐसे ही हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। जैसे आपको मालूम होगा कि कौन कौन से प्लेट के टकराव से, आपको पहले मैं आपको मानचित्र बताया था कि हिमालय का टकराव कैसे हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलिया, एक हमारे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलिया, और एक यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट थी। इसमें क्या हुआ, जो हमारी ये एशियन जो इंडियन प्लेट थी ना ये भारी थी, इसलिए यह नीचे की दस की ओर धस गई और यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर चली गई। ये स्थल मंडल की थी और यह इसकी यह स्थल मंडल की थी और यह ओशियन प्लेट थी, इसलिए यहाँ से चली गई। इसके बारे में हम बात करें दूसरी और बात करें तो इस प्रकार यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। अब तीसरी बारे हम बात करें, आपको मालूम चल गया कि यह फोल्ड माउंटेन है और हिमालय का निर्माण हुआ इस प्रकार। तो और हम बात करते हैं इसके अलावा जो हमारा तीसरी थ्योरी आती है कोबर का सिद्धांत, इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार एक तैती सागर वाली थ्योरी कैसे सिद्ध होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ है, और हम बात कर लेंगे इसके इंट्रोडक्शन में इसके सारे बारे, इसके
जो हिमालय से जुड़ी सारी बातें उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अब हमारा टॉपिक है अगला, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, इस प्रकार हिमालय का निर्माण होता है। अगली हम बात करें तो हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि एक जो हमारा थ्योरी है कोबर का सिद्धांत, उसके अनुसार हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। यह है कोबर का सिद्धांत, इसने कुछ बड़ा सिद्धांत नहीं है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप बात करें ना, एक ये एक सपोज करो ये धरातल है, ये धरातल है और धरातल है और यहाँ ये एक यहाँ पे थोड़ा अपशिष्ट है, सेमी डेक्रिक्स है और यहाँ पे वाटर है और यहाँ से ये नदी आके यहाँ से गिर रही है, यहाँ से आके क्या कर रही है, रिवर्स आके ड्रेन हो रही है और ड्रेन हो रही है तो ये केवल पानी लेके नहीं आएगी, ये साथ में क्या लेके आएगी, सेमी डेट्री लाएंगी, जैसे इसमें कंकड़ लाएंगी, पत्थर लाएंगी, आदि चीज़ें अपने साथ लेके आएंगी और यहाँ पे जमाव करती रहेगी। और साथ में क्या हो रहा है पृथ्वी में, ये प्लेटें सरकती रहती है जिससे कंप्रेसनल जोर लगता है, कंप्रेसनल फोर्स लगता है दोनों तरफ से, संपीड़न बल दोनों तरफ से लग रहा है। और ये एक टाइम के बाद इन नदियों द्वारा इतना जो अपशिष्ट साथ में ला रही है उससे इतना ये जो वाटर है ये भर जाएगा, इसका जो ये इतना इसमें अपशिष्ट आ जाएगा कि इसमें पानी का रुक नहीं पाएगा और इसके जो बल लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं, इससे यह ऊपर की ओर उठ जाएगा। जैसे हम फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ उस समय आपने आपको बताया ही था, जैसे हम बात करें तो ये धरातल था और इसमें ये इतनी हो गया जो अपशिष्ट है कि यहाँ से इन दोनों के फोर्स से यहाँ पे क्या हो गया, एक पर्वतमाला का निर्माण हो गया। इसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह हमारा अगर आप मानते हैं तो यह हमारा क्या है, जो यूरोप एशिया वाला हिस्सा है वाली भूमि है और ये इंडिया वाली है, जब इंडिया इधर घूम रही की तरफ आ रही थी और यहाँ पे जो हमारा तैतीस सागर है और जिससे ये दोनों आपस में, अगर एक टाइम जब तैतीस सागर से ये प्लेट आपस में टकराई तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो गया। और आपको मालूम होगा ये जिससे यहाँ पे जो रॉक्स बनी है, यहाँ पे ये रॉक्स बनी है क्या, किससे बनी है, सेमी डेट्रिक से बनी है, अपशिष्ट से बनी है, जिससे यह रॉक्स क्या होगी, मजबूत नहीं होगी जितनी हमारी ये लावा से निर्मित रॉक्स होती है, वह पक्की होती है लेकिन यह कच्ची होगी, इसलिए यहाँ पर भूकंप आता है तो यह काफ़ी यह टूट जाती है और काफ़ी दहशत पहाड़ी इलाकों में काफ़ी दहशत फैलाती है। ये है कॉन्सेप्ट था हिमालय के निर्माण के बारे में। अब हम जो अगली क्लास के हम बारे में चर्चा करेंगे वह हमारा होगा, हम कि सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साथ में हम बात करेंगे कि हम हिमालय को एरिया वाइज और इसके काल के अनुसार कितने कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।